आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह पहले की तरह अच्छी समझ आएगी और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। हमारा एकेडमी में इसी तरह ही पढ़ाने का अंदाज़ है और हर तरीके से इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखें कि यहाँ पे इन तीन फिगर्स में आपने देखना है, तो अगर आप इन दोनों शेप्स को देखें तो इनको मिलाएं तो आपकी दरमियान वाली शेप्स बनती है। आपकी देखें मुकम्मल शेप कंप्लीट है, इसका जो है आपका राइट लेफ्ट वाला हिस्सा जो है ये आपका नहीं है। तो ये आपका देखें तो हिस्सा जो है ये फोर में मौजूद है और वन में मौजूद है, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा चूज करना है, अब आप इसके अंदर जो छोटी शेप्स हैं इनको देखें, देखें सर्कल अंदर मौजूद है, ये वाली शक्ल अंदर मौजूद है और दूसरा सर्कल जो है ये आपको चाहिए, ठीक है। अब देखें कि इन दोनों में अगर हम अपनी शक्ल देखें तो इस ये वाली छोटी शक्ल जो है और ये वाली, ये देखें दोनों हमारे पास मौजूद है, इसमें से एक हो सकता है आपका ऑप्शन और वो है फोर, ठीक है। जहाँ पे एक डाउट है, मतलब प्रिंटिंग में थोड़ी गलती है कि ये दोनों शक्लें अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम है, इसलिए वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब भी टेस्ट होता है तो ये शक्लें डिफरेंट होती हैं, बट द मेथड इज सेम और इसी मेथड के ज़रिए आपने हल करना है, ठीक है। यहाँ एक पे शक्ल जो है वो डिफरेंट होगी तो इसलिए आपने अंदाज़ा लगा लिया। नेक्स्ट व्यू हमने देखना है कि आपने देखा कि इस चीज़ से ये पोर्शन जो आपका निकाला गया है और अंदर वाली शक्ल को ये खाली रखा गया और बाहर वाली शेप को जो है ना ये भर दिया गया, ठीक है। और इसी तरह आपने इस पोर्शन को आपने निकालना है और अंदर वाली शेप जो है वो भर देनी है और बिल्कुल दरमियान वाला ब्लैंक रखना है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो ए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए ये शक्ल कैसे बनी, ये सिंपली आपने इसको इस तरह मिला देना है तो आपकी ये शक्ल बन गई, और इसको सिंपली आप मिला देंगे तो आपके पास कौन सी शक्ल बन जाएगी, देखें बी वाली बन जाएगी, ठीक है। तो ये कुकर ब्रदर्स में की बुक में ये सवाल दिए गए हैं, अगर किसी को वहाँ पे समझने में दुश्वारी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी एकेडमी में भी कुकर ब्रदर्स की बुक्स को पढ़ाया जाता है और बड़ी अच्छी बुक है, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उसमें, ठीक है। मज़ीद उसमें कोई ऐसा सवाल जो समझ नहीं आता तो वो हमने वो भी कोशिश की है कि तमाम सवाल को आपको समझाएं। नेक्स्ट है व्यूज, देखें इस शक्ल से ये शक्ल कैसे बनी। तो सबसे पहला जो आपका एरो चल रहे हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा, इसकी शक्ल ये कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो आपके अंदर एरो चल रहे हैं वो बिल्कुल राइट की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अंदर जो तीसरा एरो है वो आपका लेफ्ट चल रहा है, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो है आप देखेंगे राइट की तरफ चल रहा है, बिल्कुल इसके अंदर जो है वो राइट की तरफ चल रहा है, ठीक है, इस तरह। तो व्यूअर्स अब आपने देखना है कि इससे क्या हुआ। अब ये देखें फर्स्ट एरो अगर लेफ्ट की तरफ घूमा है तो इधर दूसरे का जो है राइट घूम रहा है, इधर दूसरा एरो जो है ये दूसरा सर्कल एरो का ये राइट की तरफ घूम रहा है तो इसका दूसरा जो है ये आपका लेफ्ट घूम रहा है। इसी तरह तीसरा जो है वो लेफ्ट है, इधर तीसरा जो है वो राइट है, इधर चौथा जो है वो राइट है, तो इधर चौथा लेफ्ट है। इसका मतलब है कि हर सर्कल को आपने उल्ट देखना है। तो ये देखें अगर पहला सर्कल आपका लेफ्ट चल रहा है तो इसका मतलब है कि हमें राइट वाला चाहिए, राइट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, चारों हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं दूसरा एरो जो है वो राइट की तरफ जा रहा है तो हमें इस पर लेफ्ट का चाहिए, तो ए हो नहीं सकता क्योंकि इस पर दो एरो जो है वो बराबर हो गए हैं, और सी में एरो आपका लेफ्ट चल रहा है, बी में आपका लेफ्ट चल रहा है और डी में आपका राइट चल रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों में कोई आंसर है, ठीक है। अब आप देखें कि अंदर वाला लेफ्ट चल रहा है तो आपको राइट वाला चाहिए, तो ये राइट घूम नहीं रहा और ये राइट जो है सी में ऑप्शन आपका घूम रहा है, लिहाजा यही आपका आंसर है, ठीक है।
तो ये भी उस प्रैक्टिस के साथ, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतनी जल्दी ये सवाल आ जाएगा। इससे व्यूज जब हमने ये बनाया तो हमने क्या किया कि इस प्लस को इसके अंदर रख दिया, इस ट्राइंगल को इसके अंदर रख दिया, ठीक है। तो यही काम हमने आगे करना है, इस शेप को हमने इसके अंदर रख देना है और इस प्लस को हमने इसके अंदर रख देना है, ठीक है। तो वो कौन सी शेप है, वो देखिए हमारे पास जो है वो डी जो है ये शेप, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूअर, देखें हमारा जो पहला एरो है वो राइट है, दूसरा जो है वो लेफ्ट है, दूसरा जो है वो राइट है तो इसका दूसरा ये भी राइट है, ठीक है। तीसरा लेफ्ट है तो इसका भी तीसरा लेफ्ट है, तो चौथा एरो जो है ये राइट है तो इसका उल्ट जो है वो लेफ्ट है, ठीक है। तो व्यूअर्स आपने ये देखा कि एक फ्रंट और जो लास्ट एरो है इनकी डायरेक्शन चेंज की गई है और दरमियान के दो को जो है इसको नहीं छेड़ा गया, ठीक है। तो यही आपने काम इधर भी करना है, पहले और लास्ट की डायरेक्शन उल्ट कर देनी है और दूसरे और तीसरे की डायरेक्शन नहीं छेड़नी, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो डी में आपका आंसर मौजूद है, फर्स्ट टू की डायरेक्शन, फर्स्ट और लास्ट की डायरेक्शन चेंज है और दरमियान की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं है, ठीक है। इसमें व्यूअर्स बड़ा आसान है कि ये जो आउटर हैं इनको हमने बड़ा करके सर्कल बना दिया और अंदर वाली शक्ल को खाली करके और इसको और उल्टा करके अंदर रख दिया, ठीक है। अब ये जो बाहर वाली शेप है इसको सर्कल स्क्वायर बना के और फील्ड था तो ब्लैंक कर देना है, क्योंकि यहाँ ब्लैंक था तो फील्ड हो गया, तो यहाँ पे फील्ड है तो ब्लैंक हो जाएगा, तो या ऑप्शन ये है या फिर ये है, ठीक है। तो उसके अंदर वाली शेप को हमने एक तो खाली थी, यहाँ पे देखो ब्लैंक थी तो फील्ड थी तो ब्लैंक हो गई, तो यहाँ पे ब्लैंक है तो फील्ड हो जाएगी और उसको रिवर्स कर देना है। तो उल्टा करेंगे तो हमारे पास बी शेप जो है ये आ जाएगी, क्योंकि इसका स्मॉल हिस्सा जो है नीचे आ जाता है और फील्ड भरा हुआ हिस्सा जो है ये बड़ा हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा ये आपका ऊपर आना चाहिए, ठीक है। लिहाजा बी जो है इसका आंसर है। इसमें व्यूअर्स बड़ा आसान है, इसमें आपने सिर्फ ये देखना होता है कि सपोज मैं कहता हूँ इस शक्ल का जो राइट लोअर कॉर्नर है वो टॉप पे है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि इसका ये जो लोअर राइट कॉर्नर है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अगर आप देखें तो ये सिर्फ इसमें पड़ा हुआ है टॉप पे, तो यही आपका आंसर है, बाकी किसी टॉप में ये शक्ल नहीं है। ये व्यूअर्स देखें यहाँ से जब इसको हमने बनाया ये तो हर आप कह लें कि इस पोर्शन के हमने टुकड़े कर दिए और दो दो करके हमने एक जगह पर रख दिया और दरमियान में हमने डबल प्लस इस तरह लगा दिया, ठीक है, डबल लाइन लगा के। तो सेम हमने यही प्लस हमने इधर भी लगाना है और इसको डबल करके हमने इस पोर्शन को हर पोर्शन को अलग भी कर लेना है। तो आप देखें कि हमारे पास आंसर जो है वो ए जो है वो सूटेबल आंसर है, क्योंकि इसमें देखें अंदर तो एक लाइन है, इसके अंदर दो लाइंस हैं नीचे और इसके अंदर अगर लाइन है तो मिली हुई है, ठीक है। तो ए जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है। अब व्यूअर्स इसमें देखें क्या कमाल इन्होंने ये वाली शेप्स को उठा लिया अंदर, मैं कहता हूँ कि इसको मैं बाहर रख लेता हूँ फिलहाल, उसके बाद ऊपर वाला जो प्लस है इसको उठा के इसके अंदर रख देता हूँ और फिर ये वापस ये जो शक्ल थी ये यहाँ पे फिर वापस मैं चार कोनों में यही शक्ल लगा देता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें कि हमने अंदर शक्ल को पहले उठा लेना है और फिर उसके बाद इसका जो क्रॉस है ये इसके अंदर रखेंगे और फिर हर जगह पे हमने यही जो सर्कल उठाया था बाहर ये हम इधर लगा देंगे। तो ये देखें ये ऑप्शन ए में मौजूद है, लिहाजा आपका यही आंसर है। इसमें व्यूअर्स देखें कि इसकी सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन एक तो वर्टिकल कर देनी है, ठीक है। दूसरा ये जो सर्कल है अंदर ये इकट्ठे थे इनको थोड़ा हमने ओपन करके लिख दिया, ठीक है। अब यही हमने काम यही करना है और बाकी लाइंस आप देखें बाहर अगर फोर लाइंस हैं तो हाफ रह गई हैं, इसलिए यहाँ पे फोर लाइंस हैं तो एक तो हो जाएंगी। ये देखो वर्टिकल थी तो आपकी शेप हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल तो सारी शक्लें हैं। अंदर देखें तीन है और दायरे जो है इसको हमने ओपन करके खोल दिया, तो वो ओपन हम देखें तो सिर्फ इसमें हमने खोला हुआ है और इसके बाहर जो है वो चार लाइनें थे तो दो लाइनें भी मौजूद है बाहर, लिहाजा बी वाला ऑप्शन जो है ये बेहतरीन ऑप्शन है। व्यूअर्स इसमें ये देखें जो आपने कलर्ड यानी फील्ड आपका पोर्शन है इसको जस्ट उठा के बाहर रख दिया, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसमें ये जो फील्ड जगह है ये वाली ये उठा कर बाहर रख देनी है, ठीक है। तो उसमें आप देखें तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये बेहतरीन ऑप्शन है और यही आपका जवाब है, क्योंकि इसके दरमियान देखें आपकी शक्ल जो है वो
सेम नहीं है, ठीक है। आल्दो के बी जो ऐसे मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर जो ये जो स्पेस है ये ज़्यादा है। उसके बाद व्यूअर्स आपकी देखें शेप चेंज नहीं हो रही, बल्कि अंदर कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यानी अगर ब्लैक अभी इधर था तो अभी इधर आ गया, ठीक है। ये लाइंस जो हैं वो इधर थी तो वो इधर आ गए, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन इधर आ गया, ये लाइंस आगे चली गई, ठीक है। तो ये आप देखें कि लाइंस इधर आ गई, यहाँ पे पोर्शन दूसरा ये वाला डॉट वाला आ गया, लाइनें ये आ गई, ब्लैक जो है इस जगह पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह ब्लैक जब इस जगह पे आएगा तो इसका मतलब है यहाँ जो है वो ब्लैक हिस्सा होगा, इधर तो है ही नहीं, तो इधर ब्लैक हिस्सा देखो मौजूद है, बाकी किसी का नहीं है, लिहाजा डी ही आपका जवाब है। इसमें व्यूअर जस्ट आपने क्या करना है कि इसको शक्ल को इस तरह घुमाना है, ठीक है। तो यानी ये पोर्शन जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये पोर्शन हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा। तो सिंपली आपने इसको घुमाना है, तो ये शक्ल जो है ये आपकी इधर आ जाएगी, तो वो शक्ल देखें इधर मौजूद है, बाकी कहीं भी नहीं है, लिहाजा यही आपका जवाब है। तो व्यूअर्स आपने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने जो क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके उसको आपने आगे प्रोसीड करना है, और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है, आपने किसी पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर आप समझते हैं कि वह नहीं हो पा रहा, छोड़ दें इसको, आगे चले जाएँ, ठीक है, क्योंकि उससे आगे जो है कुछ आसान होते हैं तो बंदा वो कर लेता है। तो व्यूअर्स ये भी सेम तरीका है कि आपने देखें ये सपोज पोर्शन उठाया, तो ये देखें सेकंड जगह पे यहाँ पे लग गया, तो इसी तरह यहाँ पे जो पोर्शन है ये आपका सेकंड पोजीशन पे कहाँ पे है, इधर देखें नहीं है, इधर देखें नहीं है, इधर आप इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को क्लैरिफाई करने के लिए फिर हम ये करते हैं कि हमारा जो ब्लैक पोर्शन है, या फिर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कह लूँ कि हमारा जो ब्लैक पोर्शन है ये सेकंड पे है, और यहाँ पे ये शक्ल जो है सपोज मैं उठा लेता हूँ, तो ये शक्ल आपकी बिल्कुल एंड पे लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक है पोर्शन वो बिल्कुल एंड में होगा। तो एंड में देखें कि इन दोनों में, इसमें ब्लैक जो पोर्शन है वो एंड में है, तो लिहाजा सी आपका जो है वो जवाब है। व्यूज़ इसको बस पहले मुझसे हो गया, लेकिन सिंपल आपको बता देता हूँ तरीका कि ये वाली जो अंदर वाली शेप है इसको आपने उठाना है, और इसको तो एक तो आपने वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर देना है, तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, और ये जो अंदर वाला पोर्शन था इसको मैंने फिल्ड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अंदर वाला पोर्शन आपका वर्टिकल है, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल जो है आपका फिल्ड जो है वो होना चाहिए, तो वो ये यहाँ पे मौजूद है, ऐसा यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर देखेंगे शेप आपकी चेंज नहीं हो रही, बल्कि ये कलर जो है ये आपका इस जगह पे आ गया, ठीक है। उसके बाद यानी ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अब इसका कलर जो है ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ देखें ब्लैक जो है ये किसका कलर है, यहाँ तो कलर है लेकिन डबल है, डबल किसी में भी नहीं है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। ई में देखें, ए में जो है ना ये शक्ल यहाँ मौजूद है, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें उल्ट जो है ना ये शेप इस तरह नहीं है जिस तरह के होनी चाहिए, ठीक है। तो ए जो है इसमें आंसर है। व्यूअर्स ये भी बहुत आसान है, इसमें आप देखें जो जो ब्लैक पोर्शन है ये सिर्फ उठा के इनको इकट्ठा कर दिया गया है, इसी तरह जब ये मैं तीन पोर्शन उठाऊंगा तो इनको इकट्ठा करूंगा, तो ये मेरे पास ए ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। इसमें व्यूअर्स देखेंगे इसमें ये वाला जो एरो है इसको एक तो राइट की तरफ कर दिया गया और डबल कर दिया गया, ठीक है। दूसरा ये जो पोर्शन थे ये दो थे, तो इसको यहाँ पे मैंने कितने पोर्शन हमने कर दिए, फोर हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये राइट साइड पे होने चाहिए, तो राइट सब पे हैं लेकिन डबल हो गया, तो डबल या तो देखो इसमें है या फिर इसमें है, ठीक है, यानी बी या सी में। तो अब हमारे जो पोर्शन है ये देखें, आपके ये पोर्शन चार हैं, तो इसको डबल करेंगे तो आठ, तो आठ देखें इसमें तो हो नहीं सकते, और इसमें जो है आठ मौजूद है, इसलिए ऑप्शन जो है वो बी जो है वो आपका ऑप्शन है। व्यूज ये बहुत आसान है, इसको जैसे हम कागज को फोल्ड करते हैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दो तो अंदर आ गया, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये बन जाएगा। तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा नेक्स्ट लेसन, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई ऐसा सवाल जो समझ ना आया हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस केवन है,
इसके अलावा आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको उस प्रॉब्लम को भी मैं हल कर लूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। तो दुआओं में याद रखें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट और आपकी इनक्रेजमेंट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आपकी इनक्रेजमेंट की वजह से ही मैं इस चीज़ पर टाइम लगा रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।